हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए सेकेंड ईयर की पोएट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इंस्प्री और इसके राइटर हैं विलियम बटलर इट्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा स्टोरी बता देती हूँ कि पोएम में क्या है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। ऑब्जेक्टिव टाइप के आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली हूँ। मैं आपको राइट आंसर बताऊँगी सो दैट आपके माइंड में राइट आंसर ही फिट हो। तो पहले मैं आपको स्टोरी थोड़ा बता देती हूँ। इसमें जो पोएट हैं विलियम बटलर इट्स, वो कहते हैं कि वह जब सुबह उठेंगे और इंस्प्री नामक द्वीप पर चले जाएंगे, वो शहर के शोरगुल वाले वातावरण से बहुत अधिक फेडअप हो चुकी हैं और वो गांव में जाकर के आराम से रहना चाहते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो सुबह उठेंगे और इंस्प्री नामक द्वीप पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर वह गीली मिट्टी और सरकंडों की सहायता से एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे। उसके बाद कुटिया के आसपास वो नौ लताओं की पंक्तियाँ लगाएंगे और मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी तैयार करेंगे। मधुमक्खियों की कर्ण प्रिय ध्वनि से गूंजती उस प्रकृति भरे वातावरण में वह अकेले ही रहेंगे। वो कहते हैं कि इंस्प्री जाकर उनके अशांत मन को कुछ शांति प्राप्त होगी। जिस प्रकार प्रातःकाल में कुहासा आसमान से धीरे धीरे नीचे आता है, उसी प्रकार धीरे धीरे उनके मन में शांति का आगमन होगा। टिड्डों के मधुर गीत भी उनके मन को बहुत ही अधिक सुकून देंगे और इसी प्रकार से वो झील युक्त वातावरण उन्हें बहुत ही अधिक सुकून देगा। मध्यरात्रि में आकाश में टिमटिमाते तारे उनके आँखों को आराम देंगे और दोपहर के समय चारों ओर एक बैंगनी छटा फैल जाती है, उसे देखकर कवि के मन को बहुत अधिक आनंद मिलेगा। इस प्रकार वह सोचते हैं और अंत में निश्चय करते हैं कि वह हमेशा के लिए इंस्प्री चले जाएंगे। लंदन शहर के बहुत ही अधिक शोरगुल वाले वातावरण से वो दूर चले जाएंगे। वह एक पथरीले सड़क पर खड़े हो रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके कानों में इंस्प्री स्थित झील के पानी के लहरों की आवाज़ें उनको बहुत अधिक सुकून देती है। तो ये है इस पोएम की छोटी सी स्टोरी। अगर जो आप इस पोएम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका मैंने वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, उसे मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी, उससे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चूँकि पहले एक्सप्लेनेशन वगैरह करना होता था तो डिटेल स्टडी अधिक ज़रूरी थी, लेकिन अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो स्टोरी से भी आपका काम चल सकता है। फिर भी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम बटलर इट्स? इसका राइट आंसर है June 13, 1865। सेकेंड क्वेश्चन है, इट्स पेरेंट्स वर प्रोटेस्टेंट। इसका राइट आंसर है प्रोटेस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है, द इरिश लिटरेरी थिएटर सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई WB Yeats। ईट्स फेल इन लव विथ माउट गॉन। विच इंडियन राइटिंग टच्ड ईट्स? इसका राइट आंसर है गीतांजलि। हु हेल्प ईट्स इन ट्रांसलेटिंग द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद इंटू इंग्लिश? श्री हेमसा। इन विच ईयर डिड इट्स विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? 1923। इट्स डाइड इन फ्रेंच इन 1939। विच इज द प्ले ऑफ इट्स? इसका राइट आंसर है काउंटेस कैथलीन। Which is not the play of its? इसका राइट आंसर है द सिल्वर बॉक्स। इट्स वॉज रिगार्डेड एज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द मूवमेंट इन इंग्लैंड? इसका राइट आंसर है सिम्बोलिस्ट। द सेकेंड कमिंग रिफ्लेक्ट्स इट्स मोस्ट, अब इसके अंदर आपको राइट आंसर को रखना है, आइडियाज इसोटेरिक। The theme of the second coming is prophecy of the new civilization. The snakes symbolize the sun god, Egypt.
द लेक आई लव इन स्प्री रिकॉर्ड ऑफ एस्केपिज्म। द पोएम द लेक आई लव इन स्प्री द पोएट्स डीप रूटेड डिजायर फॉर लवली आईलैंड। इसका राइट आंसर है इंस्प्री। द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन अ इन लंडन। कहाँ पर वो खड़े होते हैं? राइट आंसर है रोडवे। द पोएट विशेज टू बिल्ड द इसका राइट आंसर है स्मॉल कैबिन। फ्रेंड्स, जब आप पोएम पढ़ लेंगे तो ये सब आंसर आपको वैसे ही पता हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी सुनने से आप पोएम को बिना देखे इतना अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि एक बार आप पोएम जरूर पढ़ लें। द पोएट विल हियर द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट। हुज सॉन्ग विल ही हियर इन द इवनिंग? लिनेट्स। वेयर डिड इट्स शिफ्ट लेटर ऑन? डबलिन। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट्स स्टडी आर्ट? 3। इट्स प्लेड अ वाइटल रोल इन द पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर? आयरलैंड। हु कोलेबोरेट इट्स इन फाउंडिंग द इरिश लिटरेचर थिएटर सोसाइटी विद? इसका राइट आंसर है लेडी चार्जी। वाट डिड द इरिश लिटरेरी थिएटर सोसाइटी मेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर? इसका राइट आंसर है द इरिश लिटरेरी रिनेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट वॉज माउट गॉन? इसका राइट आंसर है इरिस। फ्रेंड्स, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इतना आप पढ़िए। अब इसका अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।